वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ मशीन डिजाइन. टुडे वी आर गोइंग टू सी द फैटिग डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट. व्हाट डू मीन बाय फैटिग एंड हाउ द फैटिग इफेक्ट on a machine component. Okay, but before going to start, I wish to do a quick revision that we had seen in our last lecture. Okay, so come to the point. We had seen cyclic stress. So cyclic stress mein we had seen the completely reverse of cyclic stress, then fluctuating stress and then dependent stress. ठीक है, इन सब पे हम लोग ने formula नहीं देखा था, वो हम लोग देखेंगे आगे. इसके definition देखे थे और क्या difference है तीनों में वो देखा था, वो बड़ा important part है. Okay, so completely reverse means once you are giving a tensile force on a machine component, and compressive force on same amount of compressive force on the same machine component, means once a positive magnitude and another magnitude is negative, yani ek bar positive means tension mein aur ek bar negative means compression mein. Okay, ये हम लोग देख रहे साइक्लिक स्ट्रेस में. देन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मीन्स योर वैल्यू वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू अ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पे वेरी करेगी. ये हम लोग देखे थे. बट ऑफ द सेम नेचर, यानी कंप्रेसिव और टेंसाइल जो है, जैसे हम लोग साइक्लिक स्ट्रेस में देखे थे, एक बार कंप्रेसिव लगा था, एक बार टेंसाइल लगा था. लेकिन यहाँ पे ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ सेम नेचर का, यानी अगर इफ़ यू आर अप्लाइड अ कंप्रेसिव फोर्स देन होल द रनिंग ऑफ मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव फोर्स ओनली, एंड इफ़ यू आर अप्लाइड अ टेंसाइल फोर्स देन होल द मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल फोर्स ओनली. ओके, देन रिपीटेड स्ट्रेस मीन्स योर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम मीन्स वंस अ जीरो देन मैक्सिमम वैल्यू, और से 50 मेगा पास्कल देन अगेन जीरो देन अगेन 50 मेगा पास्कल एंड सो ऑन. ठीक है, देन वी हैड सीन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन. यहाँ हम लोग डायग्राम समझे थे, उस पर हम टाइम उतना वेस्ट नहीं करेंगे. स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के टी क्या होता है, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉट या टाउ मैक्स अपॉन टाउ नॉट होता है. ठीक है, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉट, जनरली सिग्मा नॉट हम लोग जो न्यूमेरिकल में गिवेन है वहाँ से निकालते हैं, एंड के टी की वैल्यू डाटा बुक से. एंड सिग्मा मैक्स की जो वैल्यू होती है वही फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं हम लोग. ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू सी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. एक स्पेशल 15 मिनट के अप्रॉक्स एक लेक्चर हुई थी, उस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बाय यूजिंग द सम रेशियोज. सपोज यू आर गिवन अ स्टील प्लेट हैविंग होल इन इट. ठीक है, एक स्टील प्लेट है, उस पर होल है. सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट केटी वैल्यू, सिंपली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सिंपल डी अपॉन डी, यानी मीन्स डायमीटर ऑफ द होल टू द विड्थ ऑफ द प्लेट.
ओके देन वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द होल एंड द विड्थ ऑफ द प्लेट एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द टेबल फ्रॉम द टेबल इन द आर एस खुदमी बुक यू मे सी अ टेबल फॉर्मेट टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू बट इन द वीवी भंडारी डाटा बुक यू मे गेट अ ग्राफ ओके नो इशू द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ रेशियो टू द के टी ठीक है और जहाँ पे दो से एक से ज़्यादा रेशियो होगा वहाँ ग्राफ में ही दूसरा रेशियो होगा ठीक है सो डोंट वरी वी हैड ऑलरेडी सीन इन द क्लास ऑल्सो सो फाइंड आउट द डी अपॉन बी रेशियो देन फाइंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस कट द कर्व ओके सो फ्रॉम दैट पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज के टी वैल्यू ओके नाउ यू अंडरस्टैंड एंड वी हैड स्पेशल लेक्चर ऑन इट ठीक है तो हम लोग स्पेशल लेक्चर इस पर किए थे तो यू मे सी द वीडियो और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं नाउ टुडे टॉपिक इज फैटिक ठीक है एज वी नो दैट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर दैट अ मशीन कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग सिर्फ फॉर एग्जाम्पल द कंपोनेंट इज डक्टाइल इन नेचर द कंपोनेंट इज डक्टाइल इन नेचर सो वॉट इज द फेलियर स्ट्रेस फॉर द डक्टाइल मटेरियल वी हैड ऑलरेडी डिस्कस एंड वी नो दैट इट इज अ यील्ड स्ट्रेस ठीक है यील्ड स्ट्रेस इज द फेलियर स्ट्रेस फॉर द डक्टाइल मटेरियल वी हैड सीन हाउ and why we are taking yield stress value because after yield stress the plastic deformation occur and plastic deformation means applying a small value of stress a strain varying largely okay and same for the brittle material the failure criteria is ultimate stress okay ye humne dekha tha but in the case of fatigue when a metal is subject to repeated stress when a metal is subject to repeated stress it fails stress below yield point value and such type of failure is known as fatigue failure or fatigue And such type of failure is known as fatigue. Okay. Now we are able to understand in the case of variable loading, the static criteria is not followed. Okay. So what you are going to do because you know that the machine component is subject to both static as well as variable loading so don't worry in the as you continue with the lectures you may see a combined value and the stress due to combined the machine component subject to combined stress okay sorry the machine component subject to combined stress theek hai to wahan hum dekhenge ठीक है तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं ठीक है तो फिर हम लोग दोनों को कंसिडर करते हैं स्टैटिक एज वेल एज वेरिएबल लोडिंग ठीक है नाउ कम टू द पॉइंट फैटिक आई एम रीडिंग इट एज यू सी ऑन योर स्क्रीन व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस ठीक है It fails at stress below the yield point stress. Such type of material is known as such type of failure in the material. Such type of failure of a material is known as fatigue or fatigue failure. ठीक है ये हम लोग जानते हैं fatigue failure.
ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। यानी यील्ड पॉइंट आने से पहले ही वो मटेरियल फेल हो जाता है ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, हेयर यू सी ए टू ग्राफ। ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस टू द नंबर ऑफ साइकिल, स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच में ग्राफ है। यू सी अ कर्व एंड वैल्यू सिग्मा ई बिलो द कर्व, दैट सिग्मा ई वैल्यू इज नोन एज एंड्योरेंस स्ट्रेस। यू विल सी व्हाट इज एंड्योरेंस स्ट्रेस और फैटिग लिमिट लेटर ऑन, बट फोकस ऑन द ग्राफ। नंबर ऑफ साइकिल एंड स्ट्रेस वैल्यू, नाउ इंक्रीज नंबर ऑफ साइकिल। When you are going to increase number of cycle, keep on increasing. At a point, at a stress level point, you see you meet a starting of a curve from the bottom. ठीक है, नीचे से आप जो curve की starting है वहाँ पहुँचेंगे। When you increase the stress value, okay, now as you know that the number of cycle is in the form of 10 power something, 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4, 5, 6, we assume that the 10 power 6 cycle is the infinite cycle for the fatigue failure. ठीक है, fatigue failure के लिए जो इनफाइनाइट साइकिल है वो हम लोग ये एज्यूम करते हैं 10 पावर 6 साइकिल। ओके, गॉट इट। बट व्हेन यू अप्लाइंग नंबर ऑफ साइकिल, इट डज नॉट मीन दैट आफ्टर 50 साइकिल योर मटेरियल गोइंग टू गेट फेल। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, so we take minimum value, that is 10 power 3 cycle is the starting of the starting for the curve from where your metal may be fail. ठीक है, वहाँ से आपका metal fail हो सकता है। need not necessary that your metal is fail going to fail at 10 power 3 cycle. Okay, so number of cycle is in 10 power. So for the convenience of the calculation, we had the Walz, a famous scientist in the field of engineering and physics also. He taking a curve. सॉरी, अ टेकिंग लॉग ऑफ दैट कर्व। ठीक है, जो कर्व लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसका लॉग लेके उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया। वो कर्व आप लोग को राइट हैंड साइड में दिख रहा है, मीन्स नाउ आवर एक्सिस वैल्यू चेंज, मीन्स एज in the left hand side of the curve is plotting between stress to the number of cycle, and now the right hand side of the curve value having y-axis log 10 SE and x-axis log 10 N. And now as you know that when you are going to take log of 10 power 3 cycle, log of 10 to power 3 cycle and your base is 10, then the value is always 3. Similarly, 10 power 4 cycle base 10, your value will be 4, and so on, 3 4 5 6 7 8. ठीक है, so you see x-axis
like 3, 4, 5, 6, 7. And now when you get anti-log, you may get 10 power 3 10 power 4 10 power 5 10 power 6. Okay, that dot point, or you see plus sign, is the failure point. वो क्या है? फेलियर पॉइंट है, ठीक है? वहाँ पर मेटल आपका फेल हो सकता है, ठीक है? नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. द स्ट्रेस वैल्यू, अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस और फैटिक लिमिट क्या होता है. व्हाट इज फैटिक लिमिट एंड व्हाट इज इंड्यूरेंस स्ट्रेस? ओके, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट एज इट इज. इतना होने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक कि ये होता क्या है, सिग्मा ई की वैल्यू कम क्या है, क्योंकि एज यू आर डूइंग इंजीनियरिंग. इतना समझाने के बाद आप लोग को पहले ही से समझ में आ चुका होगा कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस है क्या, ठीक है? सो इफ द स्ट्रेस इज केप्ट बिलो ए सर्टेन वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम लोग इस सर्टेन वैल्यू से कम करते हैं, एज यू आर सीइंग इन द ग्राफ, दैट इज सिग्मा ई इन द बोथ द ग्राफ, द मेटल विल नॉट फेल वॉट एवर विद नंबर ऑफ साइकिल. मीन्स इफ यू आर कीपिंग द स्ट्रेस वैल्यू बिलो अ सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू मीन्स बिलो द कर्व, यू आर सीइंग सिग्मा ई वैल्यू बिलो द कर्व, ठीक है? कर्व से नीचे अगर आप कोई भी स्ट्रेस वैल्यू रखेंगे, हमारी जो वैल्यू है वो जो मटेरियल है वो फेल नहीं होगा जितना भी नंबर ऑफ साइकिल हो जाए. दिस स्ट्रेस इज नोन एज इंड्योरेंस और फैटिक लिमिट, ठीक है? ये इंड्योरेंस या फैटिक लिमिट कहलाती है, ठीक है? समझ में आ गया हम लोग को. इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस विच अ पॉलिश स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन विदस्टैंड. ओके, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो पॉलिश है, मीन्स गुड फिनिशिंग, ठीक है? तो वो स्ट्रेस की वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेस या फैटिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, यहाँ पे डिफिनेशन में है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, सम ऑफ योर बुक यू मे गेट 10 पावर 6 साइकिल एंड सम ऑफ योर बुक गिविंग द वैल्यू 10 पावर 7 साइकिल. डोंट वरी, 10 पावर 6 साइकिल इज द एग्जैक्ट वन, ठीक है? 10 पावर 6, यहाँ भी 10 पावर 7 साइकिल लिखा हुआ है, ठीक है? बट 10 पावर 6 इज द एग्जैक्ट वन. एंड व्हेन यू गेट क्वेश्चन इन योर कंपटीशन और योर गेट, एंड व्हेन यू गेटिंग बोथ द वैल्यू दैट 10 पावर 6 और 10 पावर 7 इन द ऑप्शन, देन 10 पावर 6 इज द एग्जैक्ट वन एंड यू विल टिक ऑन इट, ठीक है? 10 पावर 6 साइकिल को हम लोग इनफाइनाइट साइकिल एज्यूम करते हैं, उस पर टिक कर के आगे निकल लेंगे, ठीक है? समझ में आया? नाउ नीचे है सिग्मा एम मीन और एवरेज स्ट्रेस, ठीक है? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2 इज द मीन स्ट्रेस. बचपन से हम लोग एवरेज निकालते आ रहे हैं या मीन निकालते आ रहे हैं, तो उसमें मीन में तो नहीं, लेकिन एवरेज ऐसे ही निकालते हैं. मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? वेरिएबल स्ट्रेस, ये मीन स्ट्रेस, दिस मीन स्ट्रेस इज द वैल्यू. When you are going to consider it, considering static loading, I will tell you how this mean stress is going to help in the numerical.
ठीक है, बस ये याद रखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने मिन स्ट्रेस पढ़ा था, उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू। वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू। सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू इज द वेरिएबल स्ट्रेस वैल्यू। ओके, सो व्हाट वी हैड स्टडीड एंड आई एम गिविंग अ कंक्लूडिंग रिमार्क what we had studied today, fatigue is nothing but when a metal subject to repeated stress, it fails at stress below the yield point. Stress such a failure of a metal is known as fatigue failure. Okay, stress the graph is stress between number of cycle and what is the fatigue limit or endurance limit. When a stress is kept below a certain value as shown in the graph, the metal will not fail whatever be the number of cycle. This stress is known as endurance or fatigue limit. ठीक है, कोई भी number of cycle अगर भले ही हम लोग कर लें, अगर एक certain stress की value से कम हमारी stress की value है तो वो material वो limit हम लोग कहेंगे endurance limit और fatigue limit। यहाँ हम लोग graph में भी देख रहे हैं सिग्मा ई की value। ठीक है, similarly for the Wohler diagram, one thing I forget to tell you, the log-log graph, log 10 SE and log 10 N is called as Wohler diagram. ठीक है, एग्जाम में Wohler diagram के नाम से आता है तो बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि Wohler साहब ने इसको दिया था तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए Wohler diagram. ठीक है, एग्जाम में वोलर डायग्राम के नाम से ही आता है, या लॉग लॉग डायग्राम भी हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो कन्फ्यूज न होना है, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, लॉग लॉग डायग्राम और वोलर डायग्राम आर द सेम। ठीक है, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट वाइज हम लोग चलते रहेंगे और बीच बीच में जो भी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो लॉग लॉग डायग्राम जल्दी ए वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू एड इट, दिस लॉग लॉग डायग्राम जल्दी प्लॉटेड ऑन लॉग पेपर, लॉग लॉग पेपर आप लोग मैथ में यूज किए होंगे क्लास 11 ट्वेल्थ में। ठीक है, लॉग लॉग पेपर। ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग जब को जब कॉपी मिलता है तो कॉपी के पीछे साइड, कॉपी के पीछे साइड ग्राफ पेपर या लॉग पेपर गिवेन होता है। अगर क्वेश्चन में गिवेन होगा कि लॉग पेपर यूज करना है तो पीछे क्वेश्चन में हम लोग को लॉग पेपर भी दिया होगा, वहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लॉग पेपर में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू का चल जाती है, फिर हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल का यूज नहीं करना पड़ता है। सिमिलर ट्रायंगल यू नो, हाँ, मैथमेटिक्स में, मैथ में आप लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज किए होंगे, सिमिलर ट्रायंगल का यूज नहीं करना पड़ता हम लोग को। ओके, नाउ आई विश टू सम मेन स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू एंड वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू। ठीक है, ये सब चीज़ें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसेंट्रेशन एंड देन न्यूमेरिकल। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसेंट्रेशन एंड न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, so be safe, be in home, stay healthy. Okay, thank you for your concern.